सो हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू साहित्य नेट क्लासेस. आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का 2024 में, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैं जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम था उसको भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. अगर आपको इस एग्जाम की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. वो दोनों शिफ्ट के एग्जाम की पीडीएफ जो है मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है. तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं और आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हमारे इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नाइट्स फीचर इन एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन. फेरी क्वीन में कितने नाइट जो है वो एडमंड स्पेंसर ने फीचर किए. देखो, एडमंड स्पेंसर ने वैसे फेरी क्वीन को जब लिखा था तो ये टोटल 12 बुक्स थी. कितनी बुक्स थी? 12. एक मिनट, 12 बुक्स थी. जब इसको गवर्नर बना के आयरलैंड भेजा गया था तो यहाँ पे वो किलकोलमैन फोर्ट में रह रहा था, और इसने क्या किया, एडमंड स्पेंसर ने आयरलैंड के जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे शेयर कर दिए. किसके साथ? क्वीन एलिजाबेथ के साथ. मतलब एडमंड स्पेंसर ने धोखा दिया अपने ही कंट्री के लोगों को, इसलिए जो रिवोल्यूशनरी थे वो भड़क गए थे और उन्होंने क्या किया, आग लगा दी थी किलकोलमैन फोर्ट में, जिसकी वजह से 6.5 बुक्स ही बची थी, बाकी की मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो जल गई थी. तो ये जो 12 बुक्स लिखी है इसमें हर एक जो हमारा नाइट है उसके एक वर्च्यू को वो रिप्रेजेंट करता है. तो इसमें 12 बुक्स हैं और 12 नाइट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो टोटल नाइट्स कितने हुए? 12. ये इसका राइट आंसर है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है. द टर्म परफॉर्मेटिविटी वॉज कॉइन बाई टेरिडा. जैक टेरिडा ने कॉइन की है, ये गलत है क्योंकि इसको कॉइन किया है जुडिथ बटलर ने. जुडिथ बटलर ने कॉइन किया है. द आइडिया ऑफ मीम वॉज ओरिजिनली कॉइन बाई रिचर्ड डॉकिंस. क्या ये आइडिया, जो मीम का आइडिया है वो रिचर्ड डॉकिंस ने दिया है? जी हाँ, मीम वाला आइडिया रिचर्ड डॉकिंस का है. द टर्म कल्चरल इंडस्ट्री वॉज कॉइन्ड बाय एडर्नो एंड हॉर्कहाइमर. ये भी ठीक है, सी स्टेटमेंट भी सही है, कल्चरल इंडस्ट्री की टर्म इन्होंने दी है. द टर्म आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस वॉज कॉइन्ड बाय बाक्टिन. नहीं, ये लुइस एल्थुजर की टर्म है ये वाली, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी. द टर्म वुमेनिज्म वॉज कॉइन्ड बाय एलिस वॉकर. ये भी ठीक है, तो बी सी और ई ये ठीक है. बी सी ई गिवन है ऑप्शन फोर्थ में, फोर्थ सही आंसर है इसमें. उसके बाद लिस्ट को मैच करना है. एक तरफ लिंग्विस्टिक के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी मीनिंग और डेफिनेशन दी गई है. लिंग्विस्टिक टर्म है, सॉरी. पहला है पोर्टे मोंटू वर्ड. ये क्या होता है, जब हम कंबाइन करते हैं साउंड और मीनिंग को, दो या दो से ज्यादा मीनिंग या साउंड को कंबाइन किया जाता है उसको बोलते हैं पोर्ट मोंटेम वर्ड. स्टाइल पढ़ते हैं, स्टाइल ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ओवर द टाइम. ये नहीं आएगा. यूज द एस्टैब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर एंड कम्युनिकेशन ऑफ द फीलिंग रादर देन आइडियाज. ये भी नहीं आएगा. ए वर्ड फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड. देखो, दो या इससे ज्यादा वर्ड्स या साउंड को जब कंबाइन किया जाता है तो ये वर्ड बनता है पोर्ट मोंटेम वर्ड. तो ए को हम मैच करते हैं किसके साथ? थर्ड के साथ. अब ए थर्ड देखो कौन से में है, इसमें फोर्थ दिया गया है तो ये क्रॉस हो जाएगा, इसमें फर्स्ट है ये क्रॉस हो जाएगा. ये दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, जिसमें ए का ऑप्शन जो है वो थर्ड दिया गया है. बी, फिलोलॉजी क्या होती है? एक ब्रांच होती है नॉलेज की दैट डील्स विद स्ट्रक्चरल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात है देखो यहाँ पे, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा. बी को हम मैच कर देंगे फर्स्ट के साथ. बी का फर्स्ट देखो कहाँ दिया गया है, इसमें सेकंड है, ये कट गया. अब तो हमारा बचा ये बी का फर्स्ट, ये राइट आंसर हो गया सेकंड वाला. एक बार इनको भी आप पढ़ लेना. फैटिक लैंग्वेज क्या होता है, जो एक फैटिक लैंग्वेज होती है वैसे इस्टेब्लिश करती है जो सोशल कनेक्शन विदाउट रियली कम्युनिकेशन एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, दैट इज फैटिक वर्ड. और ये जो फैंटम वर्ड होते हैं, ये फैंटम वर्ड सीम्स टू बी देयर नोट
इन रियल प्रेजेंट, लाइक ए घोस्ट की तरह होते हैं जो रियल में प्रेजेंट नहीं होते, उनको फैंटम वर्ड बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा इसमें। उसके बाद आगे है, मैच करना है लिस्ट वन, एक तरफ ऑथर के नाम है, दूसरी तरफ टेक्स्ट के नाम दिए गए हैं। कारोब्रान, ये कैरोब्रान किसने लिखा है? फर्स्ट का आ जाएगा इसमें बी, मोनिका क्लेर। कैप्राइस, कैप्राइस लिखा है न्यूगी ग्रीमारा ने, डोरिस पिंकल्टन ने, माई प्लेस को लिखा है सैली मॉर्गन ने, और प्लेन ऑफ प्रॉमिस ये लिखा है एलेक्स राइट ने। तो ये इसका सही आंसर डी का फोर्थ वाला ये हो गया, सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर ग्राफिक नैरेटिव। ग्राफिक नैरेटिव क्या होता है? जो वर्डलेस होते हैं उसको, या फिर फिक्शनल स्टोरी होती है, दैट इज प्रेजेंटेड इन कॉमिक स्ट्रिप फॉर्मेट और सीरीज ऑफ ड्रॉइंग एंड इमेजेस, उसमें वर्ड्स नहीं होते, ड्रॉइंग और इमेजेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, उसको हम ग्राफिक नैरेटिव बोलते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा द फीस्ट ऑफ रोजेस बाय इंदु सुंदरसन, नहीं ये इसमें ग्राफिक नैरेटिव में नहीं आता। भीमान्या बाय श्री विद्या नटराजन एंड एस आनंद, ये सही है, ये आएगा ग्राफिक नैरेटिव में। मुन्नू ए बॉय फ्रॉम कश्मीर बाय मलिक सजद, ये भी आएगा इसमें। फाइन बैलेंस रोहितन मिस्त्री, ये नहीं है ग्राफिक नैरेटिव एग्जांपल। दिस साइड दैट साइड, रिस्टोरिंग पार्टीशन बाय विश्व ज्योति घोष, ये भी आएगा इसमें। तो बी सी ई ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप फेमस कोट ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये कहां से आती है कोटेशन? ये है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, 56 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग इज सीक्वल टू लुइसा मैरी एलकॉट नॉवल लिटिल वुमेन, सीक्वल बताना है इसका। लुइसा मैरी एलकॉट लिटिल वुमेन, इसका सीक्वल कौन सा है? ये जोज बॉयज है, ठीक है, ये सीक्वल है इसका लिटिल वुमेन का, राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। उसके बाद मैच करना है आगे, एबे थिएटर आता है, किसने फाउंड किया है एबे थिएटर को? ये आएगा हमारा विलियम बटलर रीड्स। इसके साथ साथ इन्होंने, इसके जो को फाउंडर हैं, जैसे लेडी ग्रेगरी हो गया विलियम बटलर रीड्स के साथ, सीनो कैसी है, और एक और भी जेम सिंच, ये चार लोग माने जाते हैं जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने, जो आयरिश लिटरेरी रेनेसा है या सेल्टिक रिवाइवल है उसमें, ये फाउंडर माने जाते हैं एबे थिएटर के। इसके साथ तीन मेंबर और भी हैं, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एब्जर्ड थिएटर में, एब्जर्ड थिएटर को कोइन किया है मार्टिन एस्लिन ने, मार्टिन एस्लिन ने ये जो थिएटर ऑफ द एब्जर्ड टर्म है ये कोइन की है। बाकी इससे राइटर जो एसोसिएट करते हैं, हैरोल्ड पिंटर भी आते हैं इसमें, एल्बर्ट कैम्यू भी आते हैं, आर्थर एडमो, यूजीन लेनेस्को, ठीक है, ये राइटर इसमें आते हैं। तो ए का सेकंड हो जाएगा बी का फर्स्ट, देखो कहां पे है, ए सेकंड बी फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिए गए फर्स्ट में ही। और होप थिएटर जीन, ये है फिलिप हेंसलो, और थिएटर ऑफ साइलेंस जैक्स बर्नार्ड, सेपरेटली भी आपको सारी चीजें याद करनी है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन जो एक मूवमेंट आया था ना द मूवमेंट के नाम से, लगातार पिछले दो साल से यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में द मूवमेंट, तो वो वाले कुछ राइटर इसमें भी आते हैं। एंग्री यंग मैन और द मूवमेंट साथ साथ ही आए थे इसमें। किंग्सले एमिस है, जॉन ओस्बोर्न है, कॉलिन विल्सन, जेपी पर्सिस्टली, ये फोर्थ वाले इसके अंदर नहीं आएंगे, जेपी पर्सिस्टली, बाकी प्रिस्टले, जेपी प्रिस्टले। इसके अलावा कुछ राइटर और भी है इसमें, जैसे उनके नाम आप लिख लो, जॉन एड्रिन है, डोरिस लेसिंग है, आर्नोल्ड वेस्कर है, जॉन वेन है, एलन सिलिटोय है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें एंग्री यंग मैन में। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएट विद लेक स्कूल ऑफ पोएट्री, अब इसमें बताओ लेक स्कूल ऑफ पोएट्री में कौन सा नहीं है, एसोसिएट नहीं करता? एस टी कॉलरेज आता है, रॉबर्ट साउदे, विलियम ब्लेक नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो फर्स्ट जनरेशन के पोएट है रोमांटिक एज में। देखो मैंने आपको तीन इसमें स्कूल ऑफ पोएट करवाए थे, एक लेक स्कूल ऑफ पोएट, दूसरा
सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट, भक्तिशाही कुकनी स्कूल ऑफ पोएट। अब इन तीनों में याद कर लेना कौन कौन से मेंबर है, देखो इसमें से तो क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद टर्म दी गई है दूसरी तरफ थ्योरिस्ट के नाम दिए गए हैं, कल्चरल इंडस्ट्री बाय अडोर्नो एंड हॉर्कहाइमर, एक हो गया सेकंड। अब देखो ए सेकंड कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में दिया गया है, पहले से ही मैच हो रहा है। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस है हैरोल्ड ब्लूम का, और कल्चर मटेरियलिज्म रेमंड विलियम का है, डायनामिज्म हो गया इसका मिखाइल बाख्टिन का, ऐसे मैच करना था। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड टेस्ट एज द फैकल्टी ऑफ द सोल विच डिसन द ब्यूटीज ऑफ एन ऑथर विद प्लेजर विद द इम्परफेक्शन विद डिसलाइक, ये किसने बोला है ऐसा, ऑथर विद प्लेजर, जोसेफ एडिसन, प्लेजर एंड इमेजिनेशन करके है इनका एक ऐसे, वहां पे है ये जोसेफ एडिसन का है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग बताना है इसको, क्रोनोलॉजी में सेट करना है। पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियन का है 1678, बीवुल्फ है 975 एडी के आसपास, एंडीमियन है 1818 में 1818 बाय जॉन कीट्स, फेरी क्वीन के वैसे 1590 भी है, उसके बाद 96 भी है, फाइनल पब्लिकेशन 1609 भी है, पैराडाइज लॉस्ट है 1667 में बाय जॉन मिल्टन। अब इस तरह से इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, बीवुल्फ सबसे पहले आएगा ऑप्शन बी, बी इसमें नहीं है कट हो गया, इसको रख लेते हैं, इसको भी रखना पड़ेगा, ये भी कट हो गया। अब सेकंड और थर्ड में से एक आएगा, अब उसके बाद देखो कौन सा आएगा, बी के बाद आएगा डी, अब इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, एक और देखना पड़ेगा, उसके बाद ई आ जाएगा, नहीं हाँ ई आ जाएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग राइटली डिफाइन एन इनविक्टिव, इनविक्टिव होता है एक अब्यूजिव और हाईली जो क्रिटिकल लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड इनविक्टिव, तो अब्यूजिव देखो इसमें कहां पे है, अब्यूजिव एंड वेटिव स्पीच ऑफ राइटिंग, ये रहा फर्स्ट में ही है, अब्यूजिव राइटिंग होती है या हाईली क्रिटिकल जो लैंग्वेज होती है दैट इज कॉल्ड इनविक्टिव, तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है, डायजेसिस इज ए टर्म यूज बाय प्लेटो टू मीन स्टेटमेंट, डायजेसिस जो है इस टर्म को प्लेटो ने बोला है कि एक स्टेटमेंट है, अरिस्टोटल ने बोला है कि एक नरेशन है 66। अब प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में बोला है, बुक थर्ड में उसको बोला है नैरेटिव है ये, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो गई। फूको टर्म बायोपॉलिटिक्स रेफर टू द अटेम्प्ट टू द गवर्नमेंट टू रैशनलाइज द प्रॉब्लम्स, मिशेल फूको के टर्म है ये बायोपॉलिटिक्स, ये ठीक है। हाइपरटेक्स्ट इज अ टर्म दैट रेफर टू द सेकंड डिग्री लिटरेचर मेड अप ऑफ वर्क्स व्हिच एल्यूड टू और ड्राइव फ्रॉम द हाइपोटेक्स्ट, ये हाइपोटेक्स्ट एक टर्म है जिसको सेकंड डिग्री कंसिडर किया जाता है, ये भी ठीक है। उसके बाद डिजायरिंग मशीन इज ए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय एंटोनियो ग्राम्सी, ये गलत है, एंटोनियो ग्राम्सी की टर्म नहीं है ये, है इसका नाम लिख लो जेलिस डेल्यूज एंड फेलिक्स, एक नाम और है फेलिक्स गोटारी, इन दो लोगों ने इस टर्म को कॉइन किया है डिजायरिंग मशीन को। उसके बाद ड्रीम वर्क इज ए साइको एनालिटिकल टर्म टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म दैट ट्रांसफर रॉ मटेरियल टू ए ड्रीम टू इट्स मैनिफेस्ट कंटेंट, ये भी ठीक है। तो बी सी और ई, बी सी ई ऑप्शन फोर्थ में गिवन है, ये राइट आंसर हो गया उसका। इसके बाद आगे 67, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट रिसिपिएंट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बताओ नोबेल प्राइज किसको मिला है लिटरेचर के लिए, ओरहन पामुक को मिला है 2006 में, सोमरसेट मॉगम को नहीं मिला, हैरोल्ड पिंटर को मिला है 2005 में, मार्गरेट एटवुड नोबेल अवार्डी नहीं है, हेटा मुलर इनको मिला है 2009 में, तो ये तीन हो गए ए सी और ई, ए सी ई ऑप्शन फोर्थ। चलो नेक्स्ट मैच करना है, प्राइज रिकॉग्निशन ऑफिशियली स्टार्टेड कब स्टार्ट हुआ था, बुकर प्राइज स्टार्ट हुआ था
1969 में स्टार्ट हुआ था, ये भी गलत दिया गया, ऑफिशियल ईयर स्टार्टेड 1969 में। वैसे पहला बुकर अवार्ड मिला है, पहला बुकर किसको मिला था, पी एच न्यूबे को मिला था, समथिंग फॉर आंसर करके कुछ ऐसी बुक है। पुलिट्जर अवार्ड स्टार्ट होता है 1917 में, हर्बर्ट हर्बर्ट करके है एक राइटर जिनको मिला है। और नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल अवार्ड है सल्ली प्रद्युम्न, फ्रेंच ऑथर है, 1901 में हुआ था। पोएट लॉरियट हमारे हैं ड्राइडन 1668 में, तो ऐसे इसको मैच करना था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन ड्रॉप भी किया जा सकता है, क्या पता ना भी किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल स्टार्टेड जो किया गया है 1968 हो सकता है, बट पहला जो अवार्ड दिया गया था ये बुकर अवार्ड 69 में दिया गया था। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप टू ट्रांसपोर्ट इंडेंटेड लेबर फ्रॉम इंडिया टू त्रिनिदाद एंड टोबैगो इन 1845 में लेबर जो है वो भर भर के लेके जाया गया था त्रिनिदाद में, और ये विदाउट सैलरी के ही काम करते थे। अब ये जहाज का नाम बताना है कि कौन सा जहाज था वो, ये है फ्यूटल रोजा, वैसे इसका मतलब है विक्ट्री ऑफ गॉड, इट मींस विक्ट्री ऑफ गॉड। इट वाज द फर्स्ट शिप टू इंटेंडेड लेबर, ए फॉर्म ऑफ एक फॉर्म थी ये लेबर की जो कि बिना ही सैलरी के काम करती थी। ठीक है, वर्क विदाउट सैलरी, ये शिप था वो। आगे, इन हिज वर्क द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जीन फ्रांसिस्को लियोटार्ड अनाउंस द एक्लिप्स ऑफ ऑल ग्रैंड नैरेटिव एंड सो टू डिक्लेयर द डेथ ऑफ, ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में इसने बात की है, टू डिक्लेयर द डेथ ऑफ क्लासिकल सोशलिज्म। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है इसमें। उसके बाद, अकॉर्डिंग टू धनंजय देयर आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट पैरेलली विद द फाइव स्टेज ऑफ एक्शन फ्रॉम देम रिस्पेक्टिवली अराइज ऑफ फाइव जंक्टर समाधि, जंक्टर मीन्स समाधि। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दी जंक्टर, धनंजय एक क्लासिकल संस्कृत राइटर है, इन्होंने पांच एलिमेंट्स दिए थे प्लॉट के, उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है कि कैसे आएंगे ये। सबसे पहले आएगा मुखा, मुख बी, उसके बाद प्रतिमुखा सी, देन उसके बाद आएगा गुरभा ई, ये दिया गया है बी सी ई है ऑप्शन सेकंड में, तो सेकंड इसका सही आंसर है। उसके बाद एक तरफ कोटेशन दी गई है, दूसरी तरफ नॉवलिस्ट के नाम है, हैप्पीनेस इज बट द ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से है ये, ए का हो गया थॉमस हार्डी थर्ड, ए थर्ड देखो कहां पे है, ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। उसके बाद बी स्टिल व्हेन यू हैव नथिंग टू से व्हेन जेन्युइन पैशन मूव्स यू, ये डी एच लॉरेंस की लाइन है। एटर्नली इज सेड नॉट टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम बट एन एब्सेंस ऑफ टाइम, ये है ग्राहम ग्रीन। वाइसेस आर सम टाइम ओनली वर्चूज कैरीज टू एक्सेस, ये है चार्ल्स डिकेंस की, ऐसे इसको मैच करना है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कॉइन किया है विलियम जेम्स ने इन हिज एसे द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वैसे अलेक्जेंडर बेन ने इस टर्म को दिया है बट इसका क्रेडिट दिया जाता है विलियम जेम्स को, तो इसमें ऑप्शन में विलियम जेम्स नहीं है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इसके सबको नंबर दिए जाएंगे, क्वेश्चन ड्रॉप होगा डेफिनेटली। ठीक है, वैसे एनटी ने प्रोविजनल आंसर की वजह इसका आंसर मे सिंक्लेयर दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। चलो उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यूज की बात पूछते सबसे पहले यूज किसने किया है तो भी मान सकते थे कि कोई और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन टर्म तो विलियम जेम्स ने ही कॉइन की है 100%। उसके बाद विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग राइटली डिफाइन एपिथेट, एपिथेट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज की क्वालिटी, मतलब दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं, उसकी जो बैड एस्पेक्ट्स है उसके बारे में भी और गुड एस्पेक्ट्स है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिथेट, उसको एपिथेट बोलते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज कंटेन्स द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ए स्टोरी नॉवल, नहीं सिर्फ बुरी चीजें तो नहीं करते उसके बारे में, एडजेक्टिव फ्रेज यूज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी और एट्रीब्यूट टू सम पर्सन और थिंग, ये ठीक है, उसकी क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दोनों क्वालिटी की बात कर सकते हैं, बैड क्वालिटी भी और गुड क्वालिटी भी, देन सेकेंड ऑप्शन इज राइट।
विच अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट रिमार्क दैट फॉल्सहुड इज सो इजी ट्रूथ इज सो डिफिकल्ट एग्जामिन योर वर्ड्स वेल एंड यू विल फाइंड दैट इवन व्हेन यू हैव नो मोटिव टू बी फॉल्स इट इज वेरी हार्ड थिंग टू से द एग्जैक्ट ट्रूथ इवन अबाउट योर ओन इमीजिएट फीलिंग. ऐसा किसने बोला है? ये लाइन है एडम बीड से. अब एडम बीड आपको पता होगा किसने लिखा है? जॉर्ज एलियट ने. जॉर्ज एलियट, मैरी एन इवांस ने इसको लिखा है. अरेंज द फॉलोइंग डिटेक्टिव नॉवल ऑफ अगाथा क्रिस्टी. अगाथा क्रिस्टी अपने टाइम की आज तक की भी बेस्ट सेलिंग ऑथर है. मतलब अभी भी बहुत सारी इनकी जो मर्डर थ्रिलर नॉवल है, जो डिटेक्टिव नॉवल ये लिखती थी, ये लगभग लगभग 200, 250, 300 मिलियन तक भी कॉपीज इनकी बिक जाती थी. बेस्ट सेलिंग ऑथर रही है अपने टाइम की. तो इससे वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, इस बार ही ये क्वेश्चन आया है काफी टाइम बाद. क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है. वैसे इन्होंने 66 डिटेक्टिव नॉवल लिखी है अपनी लाइफ के ड्यूरिंग. और ये कोई साइकोलॉजिकल कोई इनकी खुद की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इन्होंने डिटेक्टिव फिक्शन लिखना शुरू किया. और वो बीमारी इनके लिए एक सोना साबित हुई जिसकी वजह से इनको इतना नेम और फेम मिला. डेथ ऑफ द नाइल 1937 में है. मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस 1934 में है. स्पार्कलिंग साइनाइड 1944 में है. ये द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल, ये इनकी फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवल है 1920 में. द मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड, ये है 1926 में. तो हम डी को सबसे पहले रखेंगे. ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा. अब डी इसमें बचा है और इसमें बचा है. डी के बाद फिर आएगा 1926 डी ई. तो ये फोर्थ सही आंसर होगा. चलो आगे. सर थॉमस ब्राउन लॉन्गेस्ट वर्क वल्गर एरर इज अबाउट. वल्गर एरर किसके बारे में है? मिस्टेकन बिलीफ ऑफ द पुअरली एजुकेटेड, ये इसके बारे में है. थॉमस ब्राउन का वर्क है, लॉन्गेस्ट वर्क है ये, वल्गर एरर. इसका एक टाइटल और भी है, स्यूडोडोक्सिया एपिडेमिका. ये भी याद रखना, स्यूडोडोक्सिया एपिडेमिका. नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी डील विद द थीम ऑफ पार्टीशन. अब इसमें से बताना है कि पार्टीशन की थीम बताओ कौन कौन से में. ये ठंडा गोस्ट है, इसकी पार्टीशन की थीम है. सदत हसन मेंटो ने लिखा है इसको. घरवाली ये नहीं है, घरवाली इसको लिखा है इस्मत चुगतई ने. जिला वतन, जिला वतन गुलाम अब्बास का है, इसमें भी पार्टीशन की थीम है. लाजवंती, इसमें भी पार्टीशन है लाजवंती में, क्योंकि ये जो जमींदारी प्रथा है या पार्टीशन है उसके बारे में है. वॉयलेंस के, वॉयलेंस ऑफ वुमेन के बारे में भी है ये. तो इसकी काफी सारी थीम है. और ये रुडाली है, ये नहीं आएगा इसमें. ये इश्यू ऑफ क्लास या फिर कास्ट या जेंडर के बारे में है ये. तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. तो इसमें सही होगा ए सी और डी. ए सी डी है ऑप्शन थर्ड में. उसके बाद लिस्ट को मैच करना है. नाइफ, नाइफ लिखा है सलमान रश्दी ने. तो सी का हम फर्स्ट के साथ मैच करेंगे. सी फर्स्ट देखो कहां पे है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दिया गया सी में फर्स्ट. तो यही एक से ही मैच हो रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. उसके बाद द लो लैंड, ये दिया गया, ये है जुम्पा लहरी ने लिखा है इसको. द मास्क ऑफ अफ्रीका वीएस नाइपोल ने लिखा है. और फ्रॉम हेवन लेक ये है विक्रम सेठ का. ऐसे इसको मैच करना था. एक से वैसे सोल्व हो जाते हैं मैच वाले क्वेश्चन, काफी चांसेस रहते हैं कि अगर आपको एक भी आता है तो उससे सही हो रहा है क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पंचतंत्र. पंचतंत्र के बारे में बताना है कि कौन सा सही है. देखो ऐसे काफी पुराने पुराने टेक्स्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं और क्वेश्चन आ रहे हैं संस्कृत के जो एंशिएंट राइटर हैं उनसे, तो फेयर तो नहीं कर रही है एनटीए वाले. संस्कृत वाले जो पुराने टेक्स्ट हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए. पंचतंत्र इज डिस्केंडेंट ऑफ हितोपदेशा. हितोपदेश के बारे में ये तो नहीं है, ये गलत है. इट इज मैनुअल फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सन ऑफ ए किंग इन द प्रिंसिपल ऑफ गुड कंडक्ट. ये इसके बारे में सन
ऑफ ए किंग इन द प्रिंसिपल ऑफ गुड कंडक्ट, ये ठीक है। द फर्स्ट बुक डील विद द एडवेंचर ऑफ टर्टाइस डियर एंड काउ, नहीं ये तो वैसे बेस्ट फेबल है, लेकिन और भी काफी सारे इसमें जो एनिमल्स हैं उनकी बात की गई है, तो ये भी गलत है। तंत्राख्यायिका इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिडक्शन ऑफ द पंचतंत्र, ये पंचतंत्र, ये जो तंत्राख्यायिका है ये पंचतंत्र की सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। इसको पांच पार्ट में वैसे डिवाइड किया गया है और ये एक पार्ट है जो ओल्डेस्ट पार्ट है इसका। पंचतंत्र इज डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स, ये भी सही है। तो इसमें सही आंसर होगा बी डी ई, बी डी ई दिया गया थर्ड ऑप्शन में। आगे आइडेंटिफाई द प्लेस दैट जॉन फ्लेचर रोट इन कोलैबोरेशन विद फ्रांसिस ब्यूमोंट, फ्रांसिस ब्यूमोंट के साथ कौन सा मिलके लिखा है। द फेथफुल शेफर्ड ने लिखा, द लॉयल सब्जेक्ट भी अकेले ने लिखा है, क्यूपिड रिवेंज ये लिखा है, एक तो पिलग्रिम अकेले ने लिखा है, द मेड्स ट्रेजेडी ये भी लिखा है, तो सी ई सही आंसर होगा। सी ई कहा है, फर्स्ट में ही है। आगे मैच करना है फिर से, एक तरफ रीटेलिंग दी गई है, किसने रीटेल किया मतलब दोबारा से नरेट किया है, एक तरफ ऑथर के नाम है श्याम, एन इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द भागवता, इसकी रीटेलिंग लिखी है देवदत्त पटनायक ने, देवदत्त पटनायक। वॉर ऑफ लंका अमिश त्रिपाठी और अहल्यास अवेकनिंग, इसको लिखा है कविता केन ने, और अजय एपिक ऑफ द कोरवा क्लान, कोरवा क्लान ये है आनंद नील, आनंद नीलकंठन ने, तो ऐसे इसको मैच करना था। एक और हमने मैच कर दिया थर्ड के साथ, ए थर्ड गिवन है इसमें ऑप्शन सेकंड में, तो सेकंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, निराज सिंह चौधरी का वर्क है ये, ऑटोबायोग्राफी टेक्स्ट रिटन बाय निराज सिंह चौधरी, ठीक है ये, तो ये पार्टिशन लिटरेचर का पार्ट नहीं है, गलत है। अनबेस्ट एंग्लोफिलिया ऑफ द ऑथर, अनबेस्ट एंग्लोफिलिया क्या होता है, जब जो इंग्लैंड का कल्चर है, ठीक है, या इंग्लैंड का कल्चर लगा लो, उसकी लैंग्वेज लगा लो, उनके कस्टम्स लगा लो, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के जब बात की जाती है तो उसको बोलते हैं एंग्लोफिलिया। ऑफ द ऑथर मेड दिस कॉन्ट्रोवर्सी, ये कॉन्ट्रोवर्सी का रीजन इसका यही था, ये भी ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1951, ये भी ठीक है। प्राइमरीली रेज द क्वेश्चन ऑफ द कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ये नहीं है, तो ए सी डी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट में। अरेंज द फॉलोइंग चिल्ड्रन बुक्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। गॉब्लेट फायर है 2000 में जेके रोलिंग का, और फिलिप पुलमैन नॉर्दर्न लाइट 1995, सी एस लेविस का लॉयन विच एंड द वार्डरोब 1950 है, द होबिट 1937 है, और विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1954 है। ऐसे इनको क्रोनोलॉजी में अब सेट करना है। उसके बाद एक तरफ दलित राइटर दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है, दूसरी तरफ लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के राइटर है ये लाल सिंह दिल, देखो सिंह से क्या पता चल रहा है, पंजाबी हो सकता है, पंजाब का, तो हम इसके साथ मैच करेंगे इसको। लाल सिंह ए का थर्ड हो गया, ए थर्ड कहां पे है, ए के ऑप्शन में दिया गया है, सिंह से ही क्वेश्चन बन रहा है, मतलब कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो आप, ठीक है। उर्मिला पवार मराठी है, तुलसी राम हिंदी है, तुलसी राम से भी आप लगा सकते हो कि हिंदी है, और देवानूर महादेवा ये कन्नड़ है। उसके बाद द पोएम फ्रांस एंड ओड, ये कॉन्वर्सेशनल जो पोएम है उसमें से है ये, और इसको लिखा एस टी कॉलरेज ने, मैंने आपको आठ कॉन्वर्सेशनल पोएम लिखवाई थी एस टी कॉलरेज की, वीडियो भी है ये उसमें, अभी यूट्यूब पे भी मैंने डाल रखी थी पूरी वो। उसके बाद है विच स्टेटमेंट राइटली डिफाइन और डिस्क्राइब यूटोपिया एंड डिस्टोपिया, यूटोपिया डिस्टोपिया के बारे में बताओ आप क्या जानते हो। सर थॉमस मोर यूटोपिया 1516 इज एसे इन फोर बुक्स, क्या चार बुक्स में लिखा गया है यूटोपिया, नहीं जी ये तो दो बुक्स में लिखा गया है, तो इसको कर दो क्रॉस। सर थॉमस मोर वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई यूटोपिया, लिटरेचर में हम भी पढ़ते हैं कि थॉमस मोर ही है जो सबसे पहले यूटोपिया के बारे में बात करते हैं। यूटोपिया का मतलब क्या है कि वो हर एक इंडिविजुअल जो है वो समृद्ध होना चाहिए, वो किसी तरह की दुख तकलीफ उसकी जिंदगी में ना हो, मतलब सब कुछ अच्छा होता है हर एक के लिए, तो उसको हम बोलते हैं। वैसे ये एक इमेजिनरी लैंड है जो रियल में पॉसिबल नहीं है,
ये सबसे पहले अप्लाई किसने किया? थॉमस मोर ने, ठीक है। थॉमस मोर यूटोपिया वॉज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश, इसको ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखा गया, ठीक है, इसको लिखा गया था फ्रेंच या लैटिन में, फ्रेंच में लिखा गया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। ऑरवेल 1984 एंड एल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड आर डिस्टोपियन एंटी यूटोपियन टेक्स्ट, ये ठीक है क्योंकि ये दोनों डिस्टोपियन नॉवल है। मोर यूटोपिया वॉज ट्रांसलेटेड इंटू फ्रेंच जर्मन स्पेनिश बाय राल्फ रॉबिन्सन, राल्फ रॉबिन्सन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1551 में। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। अब सही कौन कौन सी है? एक तो ए गलत है, ए तो बी ठीक है और डी ठीक है, बी और डी ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। चलो आगे मैच करना है पोएट और दूसरी तरफ बुक्स के नाम है द आइडल्स ऑफ द किंग, ये अपोजिट लिख दिया, उल्टा हो गया यहाँ पे, ये हमारे थे लिस्ट है ये वाली, आइडल्स ऑफ द किंग है एल्फर्ड टेनिसन का, तो ए का थर्ड हो गया। ए का थर्ड कहाँ पे है? इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो दो क्रॉस हो गए। ड्रामेटिक लिरिक है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। बी का फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ इसमें नहीं है, इसमें है, तो राइट आंसर ये हो गया। सोनेट फ्रॉम पुर्तगीज ये है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, पोएम्स एंड बैलेट बाय एसी स्विंबर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग फ्रेंड्स ऑफ एवरी मैन, ये एवरी मैन क्या है? एक मोरलिटी प्ले है। एवरी मैन स्टे विद हिम व्हेन ही लीव्स द वर्ल्ड टू फेस डेथ, एवरी मैन लर्न्स दैट व्हेन यू आर ब्रॉट टू डेथ, जब डेथ आएगी तो तुम्हें रखा जाएगा गुड, तो सामने क्या रखे जाएंगे? गुड डीड्स, जिसकी वजह से उनका सेल्वेशन जो है वो निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा हमारा? गुड डीड्स, ऑप्शन थर्ड वाला। हाउ द वर्ड्स फ्रॉम ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश आर रिटन इन रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर में कैसे लिखी जाती है लैंग्वेज की फॉर्म, कैसे लिखी जाती है? देखो हम थोड़े से टेढ़े करके इटैलिक्स में लिखते हैं रिसर्च पेपर में, तो ये आएगा इन इटैलिक्स। उसके बाद विच पीरियडिकल वॉज स्टार्टेड बाय जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील आफ्टर क्लोजिंग द स्पेक्टेटर इन 1712, 1712 में रिचर्ड स्टील और एडिसन ने क्या किया था? क्लोज कर दिया था स्पेक्टेटर को 1712 में। तो टैटलर तो 1709 में है, ये तो आएगा ही नहीं, क्रॉस हो गया। गार्डियन है ये 1713 में है, इसको रख लेते हैं एक बार। जेंटलमैन मैगजीन ये है ही नहीं, इसकी ये तो जेंटलमैन मैगजीन, एसटी कोलरेज या फिर एडवर्ड केव, इन दोनों में से एक की है, तो ये क्रॉस हो गई। अथर्नियन मर्क्यूरी भी इनकी नहीं है, तो एक ही बची है ये, द गार्डियन, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद टेक्स्ट दिए गए हैं दूसरी तरफ पोस्ट कॉलोनियल राइटर, तो देखते हैं टुवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन, टुवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन, इसमें इसको लिखा है फ्रेंच फैनन ने, तो सी को हम फर्स्ट के साथ मैच करेंगे। और देयर वॉज ए कंट्री, ये चिन्हवा एचपी का है, डी को हम सेकंड के साथ मैच कर देंगे, डी का सेकंड इसमें भी है और सी को हमने मैच किया था फर्स्ट के साथ, सी का फर्स्ट इसमें है, तो यही वाला सही हो जाएगा। द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेजेस ये लिखा है एनगुगी वो थियोंगो ने, और डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म एम सिजायर ने, ऐसे इनको मैच करना था। मैच मेकिंग वाले भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्ले रिटन बाय यूजीन ओनिल, यूजीन ओनिल ने कौन सा इसमें से प्ले नहीं लिखा? एना क्रिस्टीन का है। उसके बाद स्ट्रेंज इंटरल्यूड भी है, द प्लो एंड द स्टार, ये किसका है? सीनो कैसी, सीनो कैसी है जो हमारे आयरिश राइटर है, आयरिश लिटरेरी रेनेसा में भी कंट्रीब्यूशन है इनका, विलियम बटलर येट्स के साथ, और एबे थिएटर के को फाउंडर भी है सीनो कैसी, एस आएगा यहाँ पे, एस ई एन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग, इसका ऑथर बताओ कौन है? ये ऑटोबायोग्राफी है इसकी, माया एंग्लू की, फोर्थ वाला। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएट विद ब्लूम्सबेरी ग्रुप, ये ग्रुप किन का था? वर्जीनिया वुल्फ और उनके हस्बैंड है लियोनार्ड वुल्फ, उन्होंने ये इस ग्रुप की शुरुआत की थी, इनकी एक प्रेस भी थी होगार्थ प्रेस करके, इसमें मेंबर थे वर्जीनिया वुल्फ है, जे एम केनेस है, लेटन स्ट्रेचे है, ई एम फोस्टर है, यहाँ पे एडमंड
हस्टल दिया गया है, ये नहीं है। तो सही आंसर भी यही होगा, फोर्थ वाला। वैसे इसके मेंबर और भी आपको याद करने हैं, जैसे कि लिख लो दूसरे इसके जो मेंबर है, ईएम फोस्टर हो गया जैसे कि, ठीक है, और दो चार नाम और वैसे लिख लेना आप देख के एक बार कि कौन कौन से ब्लूम्सबरी ग्रुप में आते हैं। स्टार्टिंग के 8-10 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल वाज बर्न टू डेथ फॉर हिज बिलीफ, कौन सा ऐसा राइटर है जिसको जो बाइबल का ट्रांसलेटर है और उसको जिंदा जला दिया गया उसके बिलीफ की वजह से। हाउएवर ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज केयरफुल एंड इंपॉर्टेंट वर्क ऑन ट्रांसलेशन, हालांकि ट्रांसलेशन के लिए वो जाना जाता है, वो है विलियम टेंडेल। विलियम टेंडेल को एग्जीक्यूट कर दिया गया था फर्स्ट, इन्होंने वैसे प्रिंट किया था बाइबल को, और फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इनकी मानी जाती है। प्रिंट किसने किया था, वैसे तो गटनबर्ग की बाइबल भी प्रिंट हुई थी सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेटर की बात की गई है, गटनबर्ग जर्मनी के थे, ठीक है। चलो जी, वैसे फर्स्ट अगर आपको ट्रांसलेटर पूछा जाए तो वो जॉन वाइक्लिफ है। जॉन वाइक्लिफ फर्स्ट ट्रांसलेटर 1382 में ट्रांसलेट किया था, और विलियम टेंडेल ने 1525 में आके ट्रांसलेट किया था। हालांकि इसको कंप्लीट नहीं किया इन्होंने, कंप्लीट माइल्स कोवर्डेल बाइबल भी इसको बोला जाता है। इसमें ये जो माइल्स कोवर्डेल है ये एडिटर थे जिन्होंने कंप्लीट किया था, और बाद में 1539 में इसको ग्रेट बाइबल का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट भावभूतिस उत्तर रामचरिता। अब ये भी टेक्स्ट पुराना है, संस्कृत का है, वहां से क्वेश्चन आया है। द टाइम स्पेस ऑफ द प्लेस डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड सेक्शन, दो सेक्शन में नहीं है, 7 सेक्शन में है। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले डील विद ओनली विद द बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ रामा, ओनली बर्थ और चाइल्डहुड के बारे में बात इसमें की गई है, लेकिन ओनली की गई है ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। इट इज प्ले बेस्ड ऑन रामायण, ये रामायण पे बेस्ड है, ठीक है। इट्स थीम इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट कैंटो ऑफ रामायण, सिर्फ लास्ट कैंटो से लिया गया है, ये भी ठीक है। इन द सेकंड एक्ट ऑफ द प्ले सीता टेक्स रिफ्यूज टू द हर्मिटेज ऑफ द सेज विश्वामित्र, तो इसमें ए तो ठीक है, नहीं ए गलत है, बी के बारे में श्योरिटी नहीं है, सी इसमें ये बेस्ड रामायण पे, पूरे रामायण पे बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है किस पे, लास्ट कैंटो ऑफ रामायण, ये ठीक है। इसमें बी वाला ठीक है, बी डी और ई, ई में बी, तो बी डी ई इसमें फर्स्ट में दिया गया है 97 का। वैसे आंसर इसका कंफर्म नहीं है अभी क्या होगा, तो जैसे फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद हम इसको दोबारा से एक बार देखेंगे। या आप इसका सही अगर आंसर आपको अच्छे से इसका पता हो, 100% श्योरिटी हो, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। उसके बाद व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मैरी वुल्स्टोनक्राफ्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, मैरी वुल्स्टोनक्राफ्ट की ऑटोबायोग्राफी है ये वाली, मैरी ए फिक्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द टर्म नेशन लैंग्वेज वॉज कॉइन्ड बाय डायरेक वॉलकॉट, क्या नेशन लैंग्वेज को डायरेक वॉलकॉट ने कॉइन किया है, नहीं गलत है, इसको कामउ ब्रेथवेट ने कॉइन किया है। पोएटिक जस्टिस इज अ टर्म इन्वेंट बाय द थॉमस राइमर, बिल्कुल सही है, थॉमस राइमर ने इन्वेंट किया है टू कन्वे द आइडिया दैट इविल इज पनिश्ड एंड वर्च्यू इज रिवॉर्डेड, ठीक है। ये तो इविल को इसमें पनिश किया जाता है और जो वर्च्यू है उसको रिवॉर्ड किया जाता है। द टर्म नियो कॉलोनियलिज्म वॉज कॉइन्ड बाय एनकुकी ओथियोंगो, नियो कॉलोनियलिज्म एनकुकी ओथियोंगो ने टर्म नहीं दी, ये भी गलत है, ये दी है क्वेम नक्रुमा, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है। नीलिज्म इज ए वर्ड इन्वेंटेड बाय टोजनेव इन हिज नॉवल फादर एंड सन, ये सही है। नीलिज्म वैसे एक फिलोसफी है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना, ये जो फिलोसफी है ये इनका जो बिलीफ है, जो भी राइटर इससे एसोसिएट करती है या जो उसके फॉलोवर है वो नहीं मानते कि किसी तरह का एग्जिस्टेंस है, रियल में एग्जिस्टेंस किसी का भी नहीं है, ऐसा मानते हैं, हर एक चीज के बिलीफ को ये रिजेक्ट करते हैं नीलिज्म वाले। तो इसमें कौन कौन से राइटर आते हैं ये भी आप देख लेना। कैक्सटन इन प्रीफेस टू मैलरी ले मोटे डी आर्थर लिस्टेड द 9 हीरोज ऑफ लेट मेडाइवल लिटरेचर, ये ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, बी डी ई फर्स्ट में दिया गया है, बी डी ई।
उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द जेन्युइन सोर्स ऑफ द सब्लाइम एज साइटेड बाय लोंजाइनस ने, वैसे पांच सोर्स दिए थे जो जेन्युइन सोर्स है सब्लाइम को अचीव करने के लिए, पांच सोर्स। एक तो ग्रेट थॉट हो गई, इसमें थॉट है कहीं, फीलिंग और थॉट एक ही चीज है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये इमोशंस की बात भी है, और फिगर ऑफ थॉट एंड स्पीच, फिगर ऑफ थॉट एंड स्पीच की बात, नोबल आइडियाज की बात है, यहाँ पे रोबस्ट आइडियाज की बात की गई, लेकिन उसने बोला था कि नोबल आइडियाज होने चाहिए, तो ये तो कट हो गया। अब बी कट हो जाएगा, ए सी आएगा, देखो कौन सा है, बी, इसमें बी दिया गया, इसमें बी दिया गया है, तो नहीं आएगा ये, ए और डी, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें सी नहीं है, तो ये आ गया सी और ई, द जनरल इफेक्ट ऑफ डिग्री। अच्छा अच्छा ये दिया गया है कि कौन सा जनरल सोर्स नहीं है, अब और बताओ कौन सा नहीं है। इंस्पायरेशन ऑफ द वेमेंट इमोशंस की बात की गई है, वहां पे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहा था, तो अपोजिट है, ये भी नहीं आएगा इसमें, इसको रख लो एक बार सी को। नोबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी, नोबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ये भी है, नोबिलिटी की बात है इसमें, द जनरल इफेक्ट ऑफ डिग्निटी एंड एलिवेशन इसकी बात नहीं है, तो सी और ई ये दोनों सही हो गए क्योंकि ये दोनों सोर्स नहीं है। फीलिंग की भी बात की है उसने, आइडियाज की भी बात की है, फुल फ्लडेड रोबस्ट आइडियाज की भी बात की है, और वेमेंट इमोशंस की बात उन्होंने नहीं की, ये सोर्स नहीं है, नोबिलिटी की बात की है और डिग्निटी की भी बात की है, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड अरेंजमेंट का और रहता है, ये पांच सोर्स होते हैं इसके। उसके बाद है पैलिंड्रोम इज, ऐसे वर्ड्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं, टर्म का मतलब पूछा जा रहा है, तो ये होता क्या है, पैलिंड्रोम होता है, आप कोई भी एक वर्ड होता है उसको चाहे स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाओ या फिर पीछे से पढ़ने लग जाओ, तो वो उसका मतलब सेम बनेगा, मतलब उसकी प्रोनंसिएशन सेम होगी। लाइक हिंदी में हम बात करें, एक नाम मैं आपको ये लिख देता हूँ, सतीश है जैसे, ठीक है, बड़ा सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, सतीश को अगर आप पीछे से पढ़ोगे तो भी सतीश ही बनेगा। इंग्लिश में हम बात करें लेवल, इसको कैसे पढ़ लो, ये लेवल ही होगा। और उसके अलावा मैडम है, रेफर है, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है, चाहे वो आगे से पढ़ लो या पीछे से पढ़ लो, उनकी सेम प्रोनंसिएशन रहती है, दैट इज पैलिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इनके वर्क्स अब क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, ये है 1943 में, द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है 1936 में है ये, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में है, और उसके अलावा फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939 में है ये, और बुद्धा एंड हिज धर्मा 1953 में है, तो सी बी डी ए ई कहां पे दिया गया है, ये थर्ड ऑप्शन में। उसके बाद द पोएटिक लाइन, देयर इज वन ग्रेट सोसाइटी अलोन ऑन अर्थ द नोबल लिविंग एंड द नोबल डेड अपीयर इन, पोएटिक लाइन है, देयर इज ए ग्रेट सोसाइटी, ये प्रिल्यूड से लाइन ली गई है बाय वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी है और मैग्नम ओपस मास्टरपीस वर्क भी कंसिडर किया जाता है द प्रिल्यूड को। उसके बाद अरेंज करना है अब ब्लैक ब्रिटिश राइटर को बर्थ के अकॉर्डिंग, नहीं पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इनके वर्क दिए गए हैं, ब्लैक राइटर है ये, यास्मीन अली भाई, ब्राउन्स नो प्लेस लाइक होम, इसको लिखा है 1995 में, ये बायोग्राफी ऑफ ब्लैक ब्रिटेन 2001 में है, और ब्लैक गोल्ड ऑफ द सन ये है 2005 में, जॉर्ज लेमिंग का प्लेजर ऑफ एग्जाइल 1960 में है, कैरी फिलिप्स का द यूरोपियन ट्राइब, यूरोपियन ट्राइब ये है 1987 में, तो ये डी ई ए बी सी, डी ई ए बी सी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। उसके बाद फिर क्रोनोलॉजी में
इनको लिटरेरी जो क्रिटिकल थ्योरी के टेक्स्ट दिए गए हैं, आर्कियोलॉजी ऑफ द नॉलेज मिशेल फुको का है 1969 में है, रोला बार्थ का माइथोलॉजी है 1957 में है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 में है, एक राइट्स है 1966 में, और जीन फ्रांसिस्को लियोटर द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है 1979 में, 1979 में। तो डी ई सबसे पहले डी आ जाएगा, डी आएगा सबसे पहले, तो बी बी देन डी सी, बी डी सी ए ई, ये दिया गया ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एमएलए हैंडबुक द मैकेनिक्स ऑफ प्रोज रेफर टू द टेक्निकल क्वेश्चन दैट राइटर मस्ट फॉलो। मैकेनिक्स ऑफ प्रोज रेफर करता है टेक्निकल क्वेश्चन है जो राइटर को फॉलो करने हैं, और ये कैसे मतलब क्रोनोलॉजी में आपको याद करने हैं। ये सबसे पहले इसमें आएगा स्पेलिंग, देन पंक्चुएशन, फिर कैपिटलाइजेशन, फिर स्टाइल ऑफ नंबरिंग, एमएलए हैंडबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये साइटेशन वाले मैंने लास्ट एक वीडियो भी बनाई थी लास्ट एग्जाम के बाद, कि इससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। इस बार तो इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए हैं इसके, अभी आगे और भी आएंगे देखना। एक देख, ये तो कंटिन्यू आ गया एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर एम्फेसिस इन एमएलए हैंडबुक्स 9th एडिशन, ये लेटेस्ट एडिशन है इसका, चैप्टर टाइटल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज में कौन कौन से पैरामीटर पे एम्फेसिस किया गया है। अवॉइड करना है नेगेटिवली जजिंग अदर एक्सपीरियंस, दूसरों का एक्सपीरियंस जो हम जज करते हैं उसको अवॉइड करना है। ठीक है, यूज ए डिक्शनरी टू चेक द ऑफेंसिव टर्म को चेक करना है, ये भी ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोनाउन, ये नहीं आएगा। एनी फॉर्मेट ऑफ द कैपिटलाइजेशन एंड स्टाइलिंग, एनी फॉर्मेट ओ फॉर द कैपिटलाइजेशन एंड स्टाइलिंग, ये भी नहीं आएगा, इसकी बात नहीं की। मेक रेफरेंस टू आइडेंटिफाई द रेलिवेंट सोर्स, ये तो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, ऐसे रेफरेंस बनाना जरूरी है ताकि रिलेवेंट सोर्सेज का पता किया जा सके। ए बी ई इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद व्हाट इज द अपोनिमस कैरेक्टर मीन, अपोनिमस कैरेक्टर का मतलब होता है जिस नोवेल का नाम है सेम नेम आपको कैरेक्टर भी मिलेगा उसी नेम का, जिसको हम टिटुलर कैरेक्टर बोलते हैं। टाइटल वाला भी, टाइटल में भी वही है और कैरेक्टर भी सेम होता है, दैट इज अपोनिमस। अपोनिमस कैरेक्टर इज एसेंशियली डेलिविस इन नेचर, नहीं, कैरेक्टर गिव्स हिज और हर नेम टू द टाइटल ऑफ द वर्क, ये सही है कि जो भी कैरेक्टर का नाम है वो अपना नोवेल का नाम भी वही देता है, दैट इज अपोनिमस। उसके बाद जीबी शॉ के वर्क को क्रोनोलॉजी में लगाना है। पिगमेलियन आया था 1913 में, मैन एंड सुपरमैन 1905 में, आर्म्स एंड द मैन 1894 में है, और टू ट्रू टू बी गॉड यह है 1932 में, सेंट जॉन 1923 में। सबसे पहले आएगा आर्म्स एंड द मैन, सी वाला, तो सी एक ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग राइटर हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल मूवमेंट। इस ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल मूवमेंट से भी काफी क्वेश्चन आए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनल राइटर है ना उनसे क्वेश्चन बने हैं। जुडिथ राइट, क्या ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर है ये? जुडिथ राइट नहीं है। और ड्रेको ननुगल ये है, जैक डेविस ये भी है अबोरिजिनल, डेविड मेलोफ नहीं है, केविन गिलबर्ट है। तो बी सी ई ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड दैट द ट्रू फिलोसोफर एंड द ट्रू पोइट आर वन, एंड ए ब्यूटी विच इज ट्रूथ एंड ए ट्रूथ विच इज ब्यूटी इज द एम ऑफ बोथ, ये बात किसने बोली है। आर डब्ल्यू एमर्सन का एक वर्क है नेचर, जिसको ट्रांसेंडेंटलिस्ट की बाइबल भी कंसीडर किया जाता है इस वर्क को, नेचर को। ये इसमें ये लाइन है ट्रू फिलोसोफर एंड द ट्रू पोइट आर वन। आगे हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंट इनस्केप एंड इनस्ट्रेस, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ये जीएम होपकिन की टर्म है ये। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इम्प्लाइड रीडर एंड द एक्ट ऑफ रीडिंग, इसका ऑथर बताओ कौन है। इम्प्लाइड रीडर एंड द एक्ट ऑफ रीडिंग, वुल्फ गैंग आयसर, इन्होंने लिखा है ये, वुल्फ गैंग आयसर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ए नॉवल रिटन बाय जीन राइस, इसमें से जीन राइस की नॉवल बतानी है कौन सी नहीं है, ये वाली गोल्डन चाइल्ड ये जीन राइस की नॉवल नहीं है, ये त्रिनिदादियन राइटर है क्लेयर एडम करके, इन्होंने लिखा है इसको गोल्डन चाइल्ड को। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग राइटर वर एसोसिएट टू हार्लेम रेनेसा, ये एक आर्ट मूवमेंट आया था हार्लेम रेनेसा, आर्ट मूवमेंट है, इट वॉज इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, इसको द निग्रो मूवमेंट भी बोला जाता है, निग्रो मूवमेंट, द निग्रो मूवमेंट अमेरिकन, इसमें एफ्रो अमेरिकन लाइक म्यूजिक है, डांस है, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, इसमें ये आया था और इसको हार्लेम भी बोलते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, इट ऑल्सो नोन एज निग्रो मूवमेंट, ठीक है, निग्रो मूवमेंट, न्यू निग्रो मूवमेंट भी इसको कंसिडर किया जाता है और इसका नाम रखा गया है नेम्ड आफ्टर द निग्रो, एक एंथोलॉजी है द न्यू निग्रो करके, द न्यू निग्रो करके एक एंथोलॉजी है, एंथोलॉजी के लिखा है एलन लोक ने, इन्होंने लिखा है, तो ये तो आएगा ही इसमें, ठीक है, सी वाला तो आएगा ही आएगा। अब देखो सी किस में नहीं है, तो ये फोर्थ वाला ये कट हो गया क्योंकि इसमें सी नहीं है। अब इस हार्लेम रेनेसा से और भी कई राइटर हैं जो एसोसिएट करते हैं, लाइक जीन टोमर हो गया, जैसी फूसेट हो गया, क्लाउटे मैकी हो गया, जेम्स वॉलग्राउंड है, एलन लोकी हो गया, ये दिया गया है इसमें, एरिक टी है इसमें, जोरा नील हडसन हो गया, ये इसमें है, लैंगस्टन ह्यूजिस भी है इसमें, तो सी डी ई ये तीनों आएंगे इसमें, सी डी ई राइट आंसर हो जाएगा, सी डी ई दिया गया है ऑप्शन थर्ड में। चलो जी आगे, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन राइटर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, अब बर्थ के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। आर के नारायण, आर के नारायण का बर्थ कब हुआ था, 1906 में, 1906, राजा राव 1908, श्री अरबिंदो है ये है 1872, और के एस वेंकटरमानी है 1891, और सरोजिनी नायडू है 1879, इस टाइम पे इनका बर्थ हुआ था, तो सबसे पहले आएगा 1872, सी ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे, राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ ह्यूमन मेंटल डिस्पोजिशन एज पोजिटेड बाय जैक्स लाका, जैक्स लाका ने क्या आइडेंटिफाई किया था कि तीन स्टेज हैं, जैक्स लाका आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट ऑफ वंस रिलेशनशिप विद वनसेल्फ एंड द प्रोग्रेशन, ये हिस्टोरिकल ऑर्डर नहीं है, इमेजिनरी सिंबॉलिक रियल, ये तीन ऑर्डर है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट होगा और इसने नोट पूछा है तो फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पहले वाला है ना, ये रिपीट हो रहा है, पहले भी आया है दो तीन बार ये, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल जॉन ड्राइडन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ढंग से इन्होंने बोला था कि जॉन ड्राइडन ने ही हमें अच्छे से क्रिटिसिज्म करना सिखाया है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कंसिडर किया है, और ऐसा किसने बोला है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ये वैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये जो ड्राइडन है इनको फर्स्ट पोएट लॉरेटशिप भी दी गई थी 1668 में, जो ऑफिशियल पोएट लॉरेट बने थे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साइटेशन ऑफ द आर्टिकल, देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया, किससे, एमएलए हैंडबुक से, आर्टिकल पब्लिश इन जर्नल इज ए करेक्ट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू एमएलए हैंडबुक, नाइन्थ एडिशन के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा इसका सही जर्नल का करेक्ट फॉर्मेट है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ऑथर का लास्ट नेम आता है, सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम, इसमें ईयर दिया गया है कट हो गया, इसमें पब्लिक रीडिंग एंड सिविल, इसमें टाइटल दिया गया ये भी कट हो गया, बॉक्स और बॉक्स, अब दोनों में दिया गया है लास्ट नेम। उसके बाद फर्स्ट नेम आता है कोलिन ग्लेनी, कोलिन ग्लेनी फर्स्ट नेम आ गया, देन उसके बाद टाइटल आता है अमेरिकन पीरियोडिकल्स, यहाँ पे पीरियोडिकल दिया गया है लेकिन यहाँ पे टाइटल दे दिया, तो ठीक है, उसके बाद टाइटल आ गया, लास्ट नेम देन फर्स्ट नेम, उसके बाद टाइटल, ठीक है, उसके बाद पीरियोडिकल्स या मैगजीन जो भी नाम दिया गया है वो आएगा, देन वॉल्यूम आएगा, फिर उसके बाद ईयर आएगा, फिर उसके बाद पेज नंबर वगैरह आएंगे, ऐसे ये सही ऑर्डर है इसका। तो देखो यहाँ पे पहले लास्ट नेम दिया है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम दिया गया है, उसके बाद टाइटल दिया गया है,
देन उसके बाद अमेरिकन पीरियडिकल्स, ये पीरियडिकल का नाम आ गया, फिर वॉल्यूम आ गया वॉल्यूम 26 नंबर, फिर ईयर आ गया, देन पेज नंबर आ गया, ठीक है। ये सही 9th एडिशन के अकॉर्डिंग एमएलए हैंडबुक का ये सही ऑर्डर है। उसके बाद मैच करना है, एक तरफ कल्चरल क्रिटिक है दूसरी तरफ बुक के नाम दिए गए हैं, ये भी उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले द पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक और लेट कैपिटलिज्म, ये किसने लिखा है? फ्रेडरिक जेम्सन ने। तो सी को हम मैच करेंगे फर्स्ट के साथ। अब सी का फर्स्ट देखो कहां पे है, इसमें दिया गया है। उसके बाद है प्रीफेस टू फिल्म, प्रीफेस टू फिल्म को लिखा है रेमंड विलियम ने, तो सेकंड को ए के साथ मैच करेंगे, यहां पे है। वन डायमेंशनल मैन, ये हर्बर्ट मार्क्यूज का है, और यूसेज ऑफ लिटरेसी रिचर्ड होगार्ट का है, ये तो सबको पता होगा, यूसेज ऑफ लिटरेसी रिचर्ड होगार्ट पायनियर राइटर माने जाते हैं कल्चरल स्टडी में। कल्चरल स्टडी में हमारे रेमंड विलियम, रिचर्ड होगार्ट और एक इनके स्टूडेंट है स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड होगार्ट के तीन मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है। इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। उसके बाद अरेंज करनी है कैंपस नॉवल को, अरेंज करना है जे एम कोइट जी का है डिसग्रेस 1999, द हिस्ट्री मैन मेलकम ब्रैडबरी 1975, द ग्रोव्स ऑफ एकेडमिक 1951, ब्राइट सेट रिविजिटेड बाय एवलिन बॉग 1945, द ह्यूमन स्टेन 2000। तो ये सबसे लास्ट में आएगा 2000 ई वाला, ई देखो कहां पे लास्ट में है इसमें, ये सही आंसर हो गया। उसके बाद फिर अरेंज करना है पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग अहमद अली ट्वाइलाइट इन दिल्ली 1940, चमन नहल का है आजादी पार्टीशन नॉवल है ये 1975 में है, और डिस्टेंट ड्रीम मनोहर मालगुनकर का है 1960 में, अनटचेबल मुल्कराज आनंद रोट इन 1935, देन टुमारो इज आर्स ये है 1943 में। सबसे पहले आएगा 1935 डी, अब डी इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, और उसके बाद है डी के बाद ए आ जाएगा, ए इसमें दिया गया है, तो ये पहले वाला सही आंसर होगा। चलो उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन टू द लेडी ऑफ द क्राइस्ट ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको बोला जाता था? बहुत लंबे बाल रखता था और उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, बहुत मतलब साफ हम गोरा रंग बोल सकते हैं, और ये कुछ लोग मानते हैं लेडी ऑफ क्राइस्ट उसको बोला जाता था क्योंकि वो एक गॉड का डिवोटी था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप जॉन ओब्री की का एक वर्क है ब्रीफ लाइफ, जब वो पढ़ोगे तब उसमें साफ साफ लिख रखा है कि लेडी ऑफ क्राइस्ट जॉन मिल्टन को इसलिए बोला जाता था क्योंकि बहुत लंबे बाल रखता था, क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ता था लंबे बाल रखता था, उसके फेयर कॉम्प्लेक्शन की वजह से उसको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट, व्हाइल डॉक्यूमेंटिंग व्हेन इज ए ब्लॉक कोटेशन यूज्ड इन प्रोज, ब्लॉक कोटेशन क्या होती है? जैसे हम कोटेशन मार्क यूज करते हैं ना, उसमें डायरेक्ट कोटेशन लिखी जाती है, मार्क यूज नहीं किए जाते, जब या तो 40 वर्ड से ज्यादा हो या 4 लाइन से ज्यादा हो तब। तो इसमें देखो मोर देन 4 लाइन दिया गया है, ये सही आंसर है। आगे कॉमेडी है, दूसरी तरफ राइटर के नाम है मैन ऑफ मोड जॉर्ज एथर्स, द कंट्री वाइफ विलियम वाइचरले, द ओल्ड बैचलर विलियम कंग्रीव, द प्रोवोक्ड वाइफ सर जॉन वैनब्रू, रेस्टोरेशन एज से है, इजीली आप इस तरह से मैच कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ एसे टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से एसे लिखा है जेसी रैंसम ने, ये भी आसान क्वेश्चन है। उसके बाद अरेंज करना है रेमंड विलियम के वर्क्स को, अरेंज करना है, कीवर्ड लिखा है 1976 में, कल्चर एंड सोसाइटी 1958 में है, द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961 में है, कंट्री एंड द सिटी 1973 में है, और मॉडर्न ट्रेजेडी है 1966। अब क्रोनोलॉजी में लगाओ इसको, सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं, ये आएगा कल्चर एंड सोसाइटी बी वाला, बी ए के ऑप्शन में दिया गया है, तो सही हो गया ये। आगे, विच वन ऑफ द 19th सेंचुरी नोवेल पोर्ट्रेट डिसेबल कैरेक्टर इन देम, अब इसमें बताना है कौन कौन से डिसेबल कैरेक्टर है। फ्योडोर दोस्तोवस्की के क्राइम एंड पनिशमेंट में एक कैरेक्टर है
लिजावटा पूरा नाम है इसका, इवानोवा। ये जो वो लेडी है ना जिसकी वो जिसका मर्डर करता है, उसकी बहन होती है। ये भी दिखा रखा है कि इसमें ये डिजेबल कैरेक्टर है फ्लॉबर्ट। मैडम बोवरी, मैडम बोवरी में एक हिपोटल करके है, हिपोटल्स। इसमें चार्ल्स नाम का एक कैरेक्टर है जो कि उसका ऑपरेट करना, क्लब फुट का ऑपरेट करता है, लेकिन ऑपरेशन फेल होता है जिसकी वजह से इसका एक पैर चला जाता है। तो ये भी है जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है। चार्ल्स डिकेंस का क्रिसमस कैरल, इसमें भी एक कैरेक्टर दिखा रखा था टीनी टीनी टिम करके, ठीक है। और मेलविले के मोबिटिक में तो है ही, वो कैप्टन आहेब है, उसकी एक टांग खा जाती है मछली, तो वो तो उसका तो एक पैर ही नहीं है, तो वो भी डिसेबल है, तो इसमें भी हो गया। अब इसमें नहीं है बस एक, तो ये एक बार प्लीज आप चेक करना, लेकिन आंसर इसमें ऑप्शन तीन ही बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर कैटेगराइज्ड अंडर साइंस फिक्शन। अब इसमें से साइंस फिक्शन के कौन कौन से वर्क आते हैं साइंस फिक्शन कैटेगरी में। हारुकी मुराकामी द विंड अप बर्ड क्रॉनिकल, ये साइंस फिक्शन में नहीं आता। वेंडी मास ए मैंगो शेप्ड स्पेस, इसके तो नाम से पता चल रहा है। अम्बर्टो इको का है ट्रेवल इन हाइपर रियलिटी, ये भी ठीक है। फ्रैंक स्विट्जरलैंड का है द स्वार्म, जर्मन राइटर है ये भी ठीक है। काजू इशिगुरो नेवर लेट मी गो, ये नहीं है, तो बी सी डी ऑप्शन सेकंड। आगे अरेंज करना है थ्योरिस्ट को, फिलोसोफर को, बर्थ के अकॉर्डिंग। सिमन डे ब्यूर 1908 में बर्थ होता है इनका। वोल्टर बेंजामिन है 1892 है। जीन ब्रुडलार्ट 1929 है। मिखाइल बाकटिन 1985 है। रोला बार्थ 1915। सबसे पहले क्या आएगा 1908, नहीं 1892, वोल्टर बेंजामिन, बी बी ऑप्शन है इसमें, एक में दिया गया है, तो ये सही आंसर हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रोट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेर, इसके अंडर में कौन कौन से वर्क आते हैं। मेकिंग ऑफ कनेक्टिंग बाय डेविड गोंटलेट, ये इसमें नहीं आता। डी ट्रांजिशन बाय टेरी पीटर और टेरी पीटर, ये आता है। रेड व्हाइट एंड रॉयल ब्लू, ये भी आता है इसके अंदर एलजीबीटी में। नथिंग एवर जस्ट डिसअपियर बाय डायरमिड हेस्टर, ये भी इसमें आता है। सेफ स्पेस बाय एलिस ह्यू, ये रेसिज्म के बारे में है, ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस दिखा रखा है, ये भी नहीं आएगा। बी सी डी, बी सी डी ये सही है। आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल प्लेस नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर ने कौन से हिस्टोरिकल प्ले नहीं लिखे। हेनरी थर्ड शेक्सपियर ने नहीं लिखा, हेनरी फोर्थ पार्ट वन लिखा है, पार्ट टू लिखा है, तो ये ठीक है, एक तो नहीं लिखा। रिचर्ड थर्ड लिखा है इसने, रिचर्ड द सेकेंड भी लिखा है, और हेनरी फिफ्थ भी लिखा है, हेनरी सीरीज लिखी है पूरी, और रिचर्ड फिफ्थ नहीं है, तो ए और ई ये दो नहीं लिखे। ए ई कहाँ है, ए ई ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये रहा सॉरी फोर्थ ऑप्शन में। द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी गॉटबॉटर कंटेन्स फाइव एक्ट, वाइल द फर्स्ट थ्री एक्ट रिटन बाय थॉमस नॉर्टन, ये पहली इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट ट्रेजेडी कंसीडर की जाती है गॉटबॉट एक्ट को। इसमें दो एक्ट लिखे हैं थॉमस नॉर्टन ने, और तीन एक्ट लिखे हैं थॉमस नॉर्टन ने, दो एक्ट लिखे हैं थॉमस सैकविले ने। निकोलस उडाल कौन है, निकोलस उडाल ने तो फर्स्ट कॉमेडी लिखी है, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, तो राइट आंसर इसमें हमारा थर्ड वाला होगा, ठीक है। चलो आगे, वुमेन नॉवलिस्ट दे रखी है, दूसरी तरफ नॉवल के नाम है। एग्नेस ग्रे किसने लिखा है, एन ब्रंटे ने, तो बी का फर्स्ट हो गया। बी का फर्स्ट कहां पे है, दोनों जगह पे दिया गया है। चलो और देखते हैं, उसके बाद है ये इजी सा है, देखो एवलिना, एवलिना लिखा है फैनी बर्नी ने, तो फोर्थ को हम ए के साथ मैच कर देंगे। ए का फोर्थ कहां पे है, इसमें दिया गया है, तो हो गया मैच, ठीक है।
गुड अर्थ ये डाइन गोडेमर का है, और माय सन स्टोरी हो गया पर्ल एस बक का। फिर अरेंज करनी है क्रोनोलॉजी में, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग नॉवल दे रखी है। सो मैनी हंगर, सो मैनी हंगर ये है इसकी बाबानी भट्टाचार्य की, 1947 में है, 1947। ऑल अबाउट एच हेटररी, जीवी देसानी की नॉवल है, 1948 में है। म्यूजिक फॉर मोहिनी ये भी बाबानी की है, 1952 में है। वेटिंग फॉर महात्मा आर के नारायण की है, ये 1955 में है। कांधापुरा राजा राव 1938, तो राजा राव वाली पहले आएगी, ई ऑप्शन पहले आएगा तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चौसर कैंटरबरी टेल्स। चलो एक क्वेश्चन तो चौसर से आया है। जनरल प्रोलॉग डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ 29 पिलग्रिम इन द टबार्डन। प्रोलॉग में 29 पिलग्रिम होते हैं, राउंड अबाउट 30 हैं, लेकिन 29 प्योर पिलग्रिम है, उसमें से एक जो है वो कौन है, होस्ट है वहां पे, ठीक है। द पार्सन टेल इज द इंट्रोडक्टरी टेल। इंट्रोडक्टरी कौन सी है, नाइट की टेल जो है वो सबसे पहली टेल है, नाइट टेल, तो ये गलत हो गया। द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन प्रोज एंड वर्स इन वेरियस मीटर। प्रोज में भी लिखा गया है और वर्स में भी लिखा गया है। प्रोज की टेल कौन सी है, जब वो वर्स में टेल है, एक टेल है टेल ऑफ सर तोपास, चौसर की खुद की है, तो वो हैरी वेली उसको डांटता है कि तुम्हें वर्स नहीं आती है, तुम्हें राइम नहीं आती है, तुम कितनी गंदी राइम सुने, तो चलो एक टेल कोई आप प्रोज में ही सुना दो। तो फिर वो प्रोज में एक लंबी सी टेल है टेल ऑफ मैली भी करके वो नरेट करता है, तो ये भी ठीक है। ओनली 23 पिलग्रिम्स टेल स्टोरी एंड देयर आर ओनली 24 स्टोरीज टोल्ड टुगेदर। वैसे 120 स्टोरी लिखने का प्लान चौसर ने किया था, बट ही कुड कंप्लीट ओनली 24 स्टोरी, और 24 स्टोरी नरेटेड बाय 23 नरेटर, क्योंकि चौसर ने दो स्टोरी नरेट की है, इसलिए 23 नरेटर है, 24 स्टोरी है। द प्रोरिस टेल टेल अबाउट द मर्डर ऑफ ए चाइल्ड। चाइल्ड मर्डर की नन प्रोरिस वाली स्टोरी है, ये नहीं है, प्रोरिस टेल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सही क्या होगी, फर्स्ट ए सी डी, ए सी डी कहां पे है, ऑप्शन सेकंड में। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक स्टेटेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द लिटरेरी साइंस इज नॉट लिटरेचर बट लिटरेरीनेस, दैट इज व्हाट मेक ए गिवन वर्क्स टू ए लिटरेरी वर्क। ये ऐसा किसने बोला है, रोमन जैकोब्सन है क्रिटिक जो ऐसा बोलते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द लिटरेरी साइंस इज नॉट लिटरेचर बट लिटरेरीनेस। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इमीडिएट मोटिवेशन फॉर फिलिप सिडनी टू राइट अपोलॉजी फॉर पोइट्री। अपोलॉजी फॉर पोइट्री किसी के रिस्पॉन्स में लिखी गई है, और वो है द स्कूल ऑफ एब्यूज। स्टीफन गोसोन ने भी पोइट्री के बारे में कुछ, पोइट्री को कंडेमेंस किया है, पोइट्री के बारे में उसकी निंदा की है पोइट्री की, ठीक है। और इसमें ये प्लेटो के जो चार्जेस हैं वो भी हटाते हैं, जो जो प्लेटो ने चार्ज लगाए थे पोएट्री पे, लाइक पोएट्री इज मदर ऑफ लाइज, नर्स ऑफ एब्यूज, पोएट झूठे होते हैं, लायर होते हैं, ये सारे एक एक करके इन्होंने चार्जेस रिमूव किए हैं। तो राइट आंसर होगा अटैक ऑन पोएट्री इन द स्कूल ऑफ एब्यूज बाय स्टीफन गोसून। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट द आर्टिस्टिक क्रिटिक लाइक द मिस्टिक इज द एंटीमोनियम ऑलवेज। हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट द आर्टिस्ट क्रिटिक लाइक द मिस्टिक इज एंटीमोनियम ऑलवेज, ऐसा किसने ऑब्जर्व किया, ये है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड है, ठीक है, इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया था। आर्टिस्टिक क्रिटिक, आर्ट फॉर आर्ट से एक बड़े राइटर है ये। उसके बाद मैच करना है एपिग्राम क्या होता है, एक पोइम होती है डीलिंग विद द सिंगल थॉट और इवेंट, जो सिंगल थॉट और इवेंट की बात करें एपिग्राम बोलते हैं उसको। सिंगल थॉट और इवेंट की बात कहां पे है, यहां पे थॉट टर्न आएगा, यहां पे टर्न, विनी टर्न ऑफ थॉट। चलो एपिगोन क्या होता है, एक फॉलोअर होता है या इमिटेटर ऑफ समवन, स्पेशली एन आर्टिस्ट और फिलोसोफर, किसी फिलोसोफर या उसका राइटर जो है उसको कॉपी करता है, इमिटेटर हो सकता है, फॉलोवर हो सकता है, इनफीरियर और डेरिवेटिव फॉलोवर, तो इसको मैच करेंगे इसके साथ। डायजेसिस क्या होता है, एक स्टाइल है ये स्टोरी टेलिंग का, इन विच नरेटर ऑफर व्यू ऑफ द सीन टू द रीडर, व्यूअर और लिसनर,
ए शॉर्ट पोएम। अब इसमें देखो सल्यूरिंग द ऑपरेशन साउंड ये नहीं आएगा। ए टर्म यूज इन मॉडर्न नैरेटोलॉजी टू डेजिग्नेट द नैरेटेड इवेंट इन लेवल डिस्टेंट फ्रॉम द नैरेशन। तो डायजेसिस ये हो गया। एलिसन क्या होता है, एक मिशन है ऑफ साउंड और सिलेबल। ओमिशन यानी कि अमिट करना, लाइक इसका एग्जांपल, एलिसन का एग्जांपल क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना आई एम, तो आम बोल देते हैं सीधा, आई एम को हम ऐसे बोलते हैं आम। जैसे लेट्स गो, ठीक है, लेट अस गो ऐसे बोलते हैं ना, तो लेट अस ऐसे लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं सीधा लेट्स बोल देते हैं। ऐसे अमिट करना, दैट इज एलिसन। तो इसको हम मैच करेंगे सेकंड के साथ, तो बी का फर्स्ट हो गया, डी का सेकंड हो गया। इसमें दिया गया है बी का फर्स्ट, डी का सेकंड, ये फोर्थ वाली इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, चलो 140 क्वेश्चन हमने कर लिए, 140 तक मतलब 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया हमने, और जो बचे हुए पैराग्राफ और पोएम का जो स्टेंजा है उसके क्वेश्चन है वो हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे, जो आपको लगता हो कि उस पर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आपको ज़रूरत है उसकी, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट उसी पे आपको एक अच्छा सा लेक्चर प्रिपेयर करके यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।